हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का फॉर्म फिलअप होने लगा। अगर आपकी वो कह सकते हैं ना कि हाँ आपकी अगर जो बच्चे डीबी की तैयारी कर रहे थे और आपकी जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है फुलफिल कर रही है, तो आप इसको फिल कर सकते हो। बिकॉज इसका पूरा सिलेबस वैसा ही है और ये पेपर ईजी होता है। इसका कोई बहुत ज़्यादा वो वास्ट पेपर नहीं होता है, इसका रिटर्न बहुत ईजी होता है। मैंने 2 बार दिया, दोनों बार क्रैक किया, बहुत ईजी है। इसमें दम ही नहीं है इसके पेपर में। जो दम होगा आगे होगा पीएसबी एफएसबी में। आगे का पूरा मतलब मेरे को उतना एक्सपीरियंस नहीं है इसका, बट मेरे को रिटर्न एग्जाम का जहाँ तक एक्सपीरियंस है, ये बहुत ईजी है। आराम से अगर आपकी प्रिपरेशन है तो जाके निकाल लोगे। प्रिपरेशन से इसकी एवरेज प्रिपरेशन भी है ना, तो आप जाके निकाल दोगे। बाकी एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताऊंगा इसकी जो है, इससे पहले जो नोटिफिकेशन आई थी वो एग्जैक्ट सही नहीं थी। अभी जो आई है वो ऑफिशियल है और आज से ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहा है 19 फरवरी से और 6 मार्च तक ये चलेगा। तो अगर देख लेना, अगर आपकी एजुकेशनल क्राइटेरिया वगैरह फुलफिल कर रही है तो आप इसके लिए अप्लाई करो एंड प्रिपरेशन करो। आप में से किसी बच्चे ने हमारी नाविक डीबी की बैच ले रखी है तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप रिटेन फोड़ दोगे कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का। बोलो कैसे कैसे हो सकता है? तो देखो, डीबी जीडी यांत्रिक का जो तैयारी कर रहा है ना, वो सेक्शन 1 अगर अच्छा से स्ट्रांग कर लेगा तो इसको फोड़ देगा। बिकॉज इसका पेपर का लेवल नाविक डीबी से ईजी होता है जहां तक मैं जानता हूँ। खाली थोड़ा सा टफ क्यों लगता है? बिकॉज इसके सारे क्वेश्चन इंग्लिश में होते हैं, हिंदी नहीं होता। तो जिसका बैकग्राउंड हिंदी है उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट टाइम इतना है कि आप आराम आराम से पढ़ के समझ के इस एग्जाम को फोड़ दोगे, ठीक है? बाकी कुछ नहीं है। और बाकी इतना भी इंग्लिश खराब है तो आप पीएसबी और एफएसबी कैसे निकालोगे? वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। प्रॉपर जानकारी दूंगा मैं इसके अंदर, बट एक चीज मैं आपको बता देता हूँ अभी, जो इससे पहले चीजें हैं कि कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के लिए हमारी एक बैच है जो कि रिकॉर्डेड बैचेज होंगी, लाइव नहीं है। मैं क्लियर बताऊं, बिकॉज लाइव में बहुत प्रॉब्लम होता है, सारे बच्चों का टाइम एक साथ नहीं फिट हो पाता, तो फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं कि इस टाइम पे लाइव आओ उस टाइम पे आओ। तो हम लोग इसके अंदर मैं रिकॉर्डेड बैचेस दूंगा आपको कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के स्टेज 1 के लिए, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करा दूंगा। मैं इतना गारंटी देता हूँ कि जो पढ़ के जाएगा मतलब जो जान लगाएगा अपने से, उसका कट ऑफ क्लियर करवा दूंगा अच्छे खासे स्कोर से। ऐसा नहीं कि कट ऑफ गया है मान लेते हैं 200 तो 201 ला जाएगा, नहीं, अराउंड 70% स्कोर कर जाओगे आराम से आप, 60-70%, और इतना पे आपका मेरिट बन जाएगा। बिकॉज कट ऑफ ही बहुत डाउन जाता है। और पता है इसके लिए आपको A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है, और A to Z स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और इस बैच को ज्वाइन करो। इसकी प्राइस है 923 रुपये, और इसके अंदर मैं आपको जितनी प्रैक्टिस पीडीएफ वगैरह भी देते रहूंगा जहाँ से आप अच्छे खासे प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है? ज़्यादा अगर इसके बारे में इंक्वायरी करना है तो व्हाट्सअप कर लो, हमारी टीम मेंबर बैठी है, बता देगी 7279047787, और राहुल जी से पूछना कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, वो आपको गाइड कर देंगे। मतलब पढ़ाई के बारे में गाइड नहीं करेंगे, बैचेस के बारे में गाइड करेंगे। वो उनका एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं करते हैं, वो तो आपको तैयारी के लिए तो नहीं बताएंगे, बट इस बैच के रिगार्डिंग बता देंगे जो भी डाउट्स होंगे। और आगे से जो भी क्लासेस अपलोड करूंगा मैं यूट्यूब पे, वो A to Z स्टडी पे नहीं होंगी कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की। बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा हॉचपॉच हो जा रहा है, बहुत क्लासेज हो जाएंगी। तो कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के लिए आपका नया चैनल है A to Z स्टडी डिफेंस, ये नया नहीं है, बहुत पुराना है, जस्ट बैकअप के लिए रखा मैंने। इस पर मैं वीडियो नहीं डालता हूँ, टाइम पास के लिए कभी कभार डाल देता हूँ चैनल को जिंदा रखने के लिए। तो इस पे अब लेकिन रेगुलर आपको कल से 20 फरवरी से अप टू डेट्स और बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन, क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन, सब कुछ कल से मिलना शुरू हो जाएगा। कट ऑफ क्या जाती है, प्रीवियस ईयर क्या गई थी, प्रिपरेशन कैसे करना है, प्रोसेस क्या है, सब चीज़ मैं बताऊंगा A to Z स्टडी डिफेंस यूट्यूब चैनल पे। तो आप उसको सब्सक्राइब कर लो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है? बाकी सर्च करोगे आप देख लोगे, तो बाकी समझदार हो। इसके बारे में बता दो, अगर कोई GD से बच्चा भरता है, पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दो, अगर आप में से कोई GD से भरता है, चाहे वो टेक्निकल से भरता है, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, तो गाइस सबकी एज जो है 21 से 25 साल होती है इसके अंदर। इसमें 18 साल के बच्चे, 19 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे नहीं फिल कर पाएंगे। आपकी मिनिमम एज 21 होनी चाहिए, 21 होनी चाहिए, और मैक्सिमम 25। और इस बार जो इसके अंदर भर्ती आई है गाइस, इसके अंदर लॉ वाली एंट्री नहीं है गाइस, पहले मैं क्लियर कर दूँ। जो वैकेंसी इस बार लेकिन ठीक ठाक आई है, और 2025 में दोबारा ये वैकेंसी, मतलब कहते हैं ना 2024 में ये दोबारा भर्ती नहीं आएगा। बिकॉज पहले जो भर्ती आती थी वो 01/2025 आनी चाहिए थी इसको, लेकिन इन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब वैसा नहीं होगा, अगली जो भर्ती आएगी वो 01/02/2025 नहीं होगी, अब वो 2026 को कंसिडर करे या फिर जो भी करे, ये सिर्फ और सिर्फ 2025 बैच है। तो आप देख सकते हो 2024 में इसकी दूसरी कोई भर्ती देखने के लिए नहीं मिलेगी, जो कि साल में 2 बार आती थी, इन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब 1 बार आएगी। हाँ, लेकिन सीट्स यहाँ पे ज्यादा है, मैं ये चीज फिर से कह दूं कि सीट्स ज्यादा है, जहाँ पहले ओवरऑल सारी सीट्स को मिला के ना 50 तक पहुंच पाते थे ये लोग, इस बार इन्होंने 70 सीट दिया है, ठीक है? यहाँ पे GD में आपको दिख रहा होगा
सीट ज्यादा है, क्योंकि मैंने जब पिछली बार भरा था तो मतलब कैट ओवरऑल पूरा सीटें 7 की AC 14 के आसपास टोटल सीट था उस टाइम जब मैंने क्लियर किया था। तो इस बार तो जीडी में ओवरऑल करके इन्होंने 50 सीट दे रखा है, बहुत है ठीक है। क्योंकि पहले जीडी का, टेक्निकल का, इसके अलावा ना एक होता था पायलट लाइसेंस कॉमर्शियल करके आता था, सीसीपीएल करके, उनका लॉ एंट्री का सब मिला के 50 देते थे। इस बार तो वो सभी चीज़ों को यहाँ पे ना देके सिर्फ दो चीज़ों के लिए, यहाँ पे टेक्निकल और जीडी का देके इन्होंने 70 सीट दे रखा है, बहुत है। कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के लिए बहुत है, एक तो असिस्टेंट कमांडेंट बहुत बड़ी पोस्ट गजटेड ऑफिसर की, और ऊपर से कोस्ट गार्ड उतनी बड़ी है नहीं नेवी की तरह, इसमें 70 वैकेंसी बहुत हो गई। दो वैकेंसी उसको मर्ज कर दिया इन्होंने, तो मे बी पीएसबी वगैरह पहले से थोड़ा सा अच्छा, मतलब उतना मतलब डिफिकल्ट ना करे, सिलेक्शन की रेशियो बढ़िया होगी, सीट ज्यादा है तो सिलेक्शन की रेशियो ज्यादा होगी, तो जान लगा दो इस बार, मैं यही कह सकता हूँ ठीक है। और यहाँ पे इस बार लॉ वगैरह की कोई भर्ती नहीं है, लॉ का तो वैसे वेरिटी नहीं होता था। एक चीज बताऊँ आपको, जीडी और टेक्निकल दोनों का सिलेबस सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, खाली जनरल कंपटीशन वाला पढ़ना है, मैं बता दूंगा, खाली इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। अब इनकी एज क्या है भाई, तो दोनों की है 21 से 25 साल, 21 जुलाई 2024 को ये एज फुलफिल होना चाहिए, मतलब 1 जुलाई 1999 से लेके 30 जून 2003 के बीच में आप अगर हो तो फिल कर पाओगे। तो उनका क्या जो 26 साल के हैं, 27 साल के हैं, तो गाइस अगर आप ओबीसी से हो तो आपको 3 ईयर्स का एज रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, मतलब आप 28 साल तक के बच्चे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अगर आप एससी एसटी से हो तो आपको 5 ईयर्स का एज रजिस्ट्रेशन, मतलब 30 साल तक के बच्चे भर पाएंगे इसके अंदर ठीक है। अगर आप मान लो डिफेंस के अंदर सर्व कर रहे हो अभी, एयरफोर्स नेवी ठीक है इसके अंदर ठीक है ना, या फिर आर्मी के अंदर यहाँ पे दे रखा गया है, या फिर कोस्ट गार्ड के अंदर, तो आपको एक्स्ट्रा 5 साल की रिलैक्सेशन मिल जाती है, मतलब 30 साल तक के बच्चे भी इसको फिल कर पाएंगे ठीक है। तो ये चीज़ है। और ये कैसे मिलेगा, जब फॉर्म फिलअप करोगे तो पहले ही पूछा जाएगा कि आर यू सर्विंग वगैरह वगैरह, मतलब क्या आप सर्व कर रहे हो इस जॉब के अंदर किसी एक के अंदर, तो आप यस करोगे तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा ऑटोमेटिकली ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करना होते हैं, जैसे कुछ होता है ना एनओसी वगैरह, मैं पढ़ के बताऊंगा एग्जैक्टली, मेरे को ध्यान पे नहीं है वो, तो वो अपलोड करना होगा। ये तीनों का एज जो है सेम है ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्वालिफिकेशन कर जाता हूँ, देखो अगर कोई बच्चा जीडी से फिल करना चाहता है तो इसका मतलब ये नहीं ना कि जीडी में उसको 12th का मैथ पूछा जाएगा, 12th की फिजिक्स पूछी जाएगी, ऐसी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ठीक है। यहाँ पहले तो पूछा जाएगा जनरल क्वेश्चन नहीं, लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थोड़ा सा मैंडेटरी है। शुड होल्ड अ डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क। आपने ग्रेजुएशन में कोई भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे आप एमबीए कर रहे, मतलब क्या कहते हैं बीबीए कर रखे हो, या फिर कुछ भी कर रखे हो, आप इसको फिल कर पाओगे, लेकिन आपके 12th में फिजिक्स और मैथ होने चाहिए, और ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% स्कोर होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, और 12th में फिजिक्स मैथ होने चाहिए। 12th में अगर आर्ट्स है कॉमर्स है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर पाओगे ठीक है। तो ये इन्होंने मैंडेटरी कर रखा है, 12th में आपके होने चाहिए फॉर जीडी ओके ना, और आपके 55% स्कोर होने चाहिए 12th में ठीक है, और मैथ फिजिक्स में भी इतना वगैरह वगैरह जो सीन है। अब मैं बता देता हूँ टेक्निकल मैकेनिकल के बारे में, यहाँ पे क्या सीन है। तो यहाँ पे ऑब्वियस चीज है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड खोज रहे होंगे वो लोग ग्रेजुएशन में भी ठीक है, और मिनिमम 60%, और इंजीनियरिंग जब बैकग्राउंड खोज रहे हैं तो इनको अपना देखो मैकेनिकल के लिए अलग जो यहाँ पे लिख रखा गया आप पढ़ो, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं हूँ तो मैं उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट ये चीज़ बता सकता हूँ इन्होंने क्या कर रखा यूनिवर्सिटी इन ये जो है ना नेवल आर्किटेक्चर, तो ये तो जरूरी नहीं है कि नेवल आर्किटेक्चर से हो, बट यहाँ पे ये दे रखा है मैकेनिकल और मैरीन वगैरह वगैरह से भी हो आप, मतलब वैसा कुछ है आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो आप फिल कर पाओगे। अदरवाइज आप यहाँ पे एक चीज़ और दे रखे इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन एनी ऑफ द अबव, अगर है इनमें से कोई भी एक है तो आप इसको फिल कर पाओगे, यही चीज़ कह रहे हैं। बाकी देखो इंजीनियरिंग का उतना अच्छा से मैं नहीं बता पाऊंगा कि क्या क्या सीन है, और इसके साथ आपके 12th में मैथ फिजिक्स होने मैंडेटरी है, चाहे आप किसी भी चीज़ के लिए भरो 12th में फिजिक्स मैथ होने मैंडेटरी है विद 55%। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सेम चीज़ है, देखो ये टेक्निकल को भी बांट दिया ना, मैकेनिकल का अलग, इलेक्ट्रिकल का अलग, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग, तो इनका क्या क्या सब्जेक्ट्स है मैं तो पढ़ा नहीं हूँ तो मैं कैसे कैसे बता सकता हूँ, तो जो पढ़ा होगा वो बताएगा, बट 12th में सबके लिए फिजिक्स मैथ है। अब मैं आ जाता हूँ, देखो आप पढ़े हो क्या उससे कोई मतलब नहीं है मेरे को, लेकिन मैं जो पढ़ाऊंगा वो एग्जाम में आएगा, ये चीज़ गारंटेड है। एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मान लेते हैं किसी का अगर स्कोर वगैरह है मान लो 60% नहीं है, अगर आपके मान लो 59.5% है तो आप उसको 59.5 स्कोर नहीं करोगे ठीक है, उसको वो 59 ही मानेंगे ठीक है, उसको आप 60 नहीं मान सकते राउंड फिगर, वो 59 मानेंगे। कुछ लोग कहेंगे ना मेरे तो 59.9 है तो क्या मैं 60 बना दूं, वो छाट देंगे फिर वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वो उसको 59 कंसिडर करेंगे एंड कहेंगे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट।
तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, और कुछ नहीं, यहाँ पे 60 एग्जैक्ट होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एज रिस्ट्रिक्शन का जो बोला वही चीज़ है, देखो ओबीसी को इन्होंने दे रखा 3 ईयर्स का, और SC ST के बच्चों को यहाँ पे 5 ईयर्स का रजिस्ट्रेशन है, और मैक्सिमम 5% रजिस्ट्रेशन एग्रीगेट जो है ना मार्क्स इन रिस्पेक्टिव SC ST कैंडिडेट। तो ये तो मार्क्स के बारे में, मैं एज रजिस्ट्रेशन के बारे में कह रहा हूँ, बाकी फॉर्म फिलअप करो। अब मैं बताता हूँ इसकी सिलेबस के बारे में, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम कब होगा। वेस्ट वेट वेट, मैं यहाँ पे थोड़ा सा सर्च करूँ सिलेबस, क्योंकि PDF को खोजेंगे ये वर्क नहीं कर रहा है भाई, PDF ही है ना इनका। वेट, टेक्स्ट फॉर्म में नहीं डाला क्या इन्होंने, मैं कॉपी करूँ, नहीं ठीक ठाक तो है ये, इनका सर्च वर्क बॉक्स काम नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ना जस्ट थोड़ा सा स्क्रॉल करके देख लेता हूँ। ऐसे क्या होता है, किसी भी PDF में आप अगर सर्च बॉक्स ओपन करके और आप जैसे ही मतलब चेक करोगे ना तो वो खुल जाता है, बट इसके अंदर वो नहीं खुल रहा है। बट मैं बता रहा होता है, ओवरऑल 400 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। और 400 नंबर के पेपर में आपको क्या क्या दिखेंगे भाई, तो 400 नंबर के पेपर में आपको जो दिखेंगे वो आपको मैथ हो जाता है, ठीक है। या फिर चलो ना मैं आपको ना स्क्रॉल करके नीचे ले चलता हूँ, थोड़ा सा मेहनत कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा ना इस सब मामला में ना वो कोशिश करता हूँ कि मेरे को सर्च बॉक्स मिल जाए तो वो बेटर रहेगा। जैसे कंट्रोल एफ दबाओगे तो सर्च बॉक्स देखो ऊपर ओपन हो जाता है, और वहाँ से सर्च करने पर सिलेबस आ जाता है। अच्छा, इन्होंने सिलेबस वर्ड का यूज़ ही नहीं कर रखा है इसके अंदर, इसलिए नहीं आ रहा है वो। इन्होंने क्या दे रखा है भाई, ये सब्जेक्ट लिखा है इसके अंदर, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या क्या जो आएगा वो इंग्लिश आएगा, 25 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी 25 नंबर के, जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड होगा 25 मार्क्स के, जनरल नॉलेज और जो होगा आपका 25 मार्क्स का। तो गाइज एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, सारे क्वेश्चंस तो नंबर होंगे 100, बट एक क्वेश्चन होगा 4 नंबर का, ठीक है। जब एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा तो ऑब्वियस ही चीज़ें हैं, और वो सारे हिंदी में नहीं होंगे, इंग्लिश में होंगे, एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको हिंदी में नहीं दिखेगा वहाँ पे। ओवरऑल 100 क्वेश्चन इंग्लिश में मिलेंगे, और टाइम ठीक मिल रहा है 2 घंटा, क्योंकि मैंने जब दोनों बार एग्जाम दिया, तो पहले बार जब मैंने एग्जाम दिया था मेरे को याद नहीं है, वो 2022 में दिया था मैंने मार्च के टाइम पे, तो वो जो पेपर था वो मेरे को थोड़ा सा लगा कि हाँ वो डिफिकल्ट था, जेन्यूनली वहां पर डिफिकल्टी थी मेरे को दिखी उसके अंदर। मैं मैथ के अंदर मैथ में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वो मैथ जो दे रखा था ना, हाइपरबोला पैराबोला, 12th 11th 12th के भी मैथ दे रखे थे, तो मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ, तो मेरे को टाइम लगा, बट मैंने बना लिया। एक्चुअली मेरे को ना 12th 2015 में देने के बाद मैं पढ़ा ही नहीं उन सब चीज़ों को, मैं जनरल मैथ, जनरल इंग्लिश, जनरल साइंस, ये सभी चीज़ों को पढ़ रहा था, बट कहीं ना कहीं हमारा बैकग्राउंड था तो उन सब चीज़ों को मैंने कर लिया था। बट इस बार का जो मैंने पेपर देखा, जब सबका एक ही सब्जेक्ट इन्होंने कर दिया, एकदम लल्लू पल्लू सा सवाल पूछ रखा था, इतना भी लल्लू पल्लू नहीं था, बट मैं बोल रहा हूँ जिसकी तैयारी है उसके लिए। हाँ, लेकिन इसके अंदर आपको जनरल नॉलेज अच्छा खासा दिखेगा, इससे कोई मजाक नहीं कर सकते, साइंस के क्वेश्चंस के लेवल अच्छे खासा दिखेंगे। तो गाइस यहाँ पे एक इसका टेक्निकल चीज समझो, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मेरे को साइंस पे बहुत ज्यादा फोकस्ड होना ही क्यों है, मेरे को जनरल नॉलेज का पूरा डेप्थ नॉलेज लेना ही क्यों है, मेरी इंग्लिश अच्छी है, मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको अपने जगह पे रख के बता रहा हूँ। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी रीजनिंग और मैथ अच्छी है, और जनरल साइंस के साथ जो मैथ आता है वो भी मैथ ही रहता है, मैं इतना अगर स्कोर करा दूं आपको, और मतलब एवरेज GK चला जाए, एवरेज साइंस चला जाए ना, तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता है, आप अच्छे स्कोर के साथ, मतलब कट मैं बोल रहा हूँ, जितना क्वालिफाइंग नंबर है ना उसे 50-60 नंबर भी ज़्यादा नंबर आ जाएगा, कट ऑफ से 50-60 नंबर ज़्यादा ईजिली आ जाएगा, बहुत ईजी है ये, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं कह सकते, बाकी इस बार तो एक चीज़ आ गया, नॉर्मलाइजेशन आ गया। अगर मान लो कोई शिफ्ट आपका इजी है या फिर कोई शिफ्ट डिफिकल्ट है तो नॉर्मलाइज कर देंगे, वैसे इनका पेपर होता ही कितना है, मुश्किल से 2 शिफ्ट में ज़्यादा ज़्यादा होता होगा, और क्या। तो नॉट बस कुछ नहीं, इसका नॉर्मलाइजेशन का उतना इंपॉर्टेंस है नहीं, क्योंकि 2 शिफ्ट में पेपर होंगे तो क्या ही नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ेंगे। एफकेट का तो फिर भी 2 दिन 3 दिन चलता है, इनका तो वो भी नहीं चलता, ठीक है, उतने ज़्यादा बच्चे रहते नहीं इनके अंदर। तो बाकी अगर रिटर्न क्लियर कर लोगे देन आपको ये कॉल करेंगे PSB के लिए, और उसमें जो प्रोसेस होगा उसके लिए हम लोग कंप्लीट जानेंगे। और इनकी मैं फ़ी एक बार जस्ट क्लियर कर दूँ, फ़ी कितनी लग रही है भाई, इसको कुछ भी सर्च करो, हाँ फी आ गया, 300 रुपये लग रहे हैं आपको फी फॉर्म फिलअप के, शायद पिछली बार 250 लगे थे, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, और जो भी है तो यहाँ पे सीन है, 300 फी ले रहे हैं आपसे, और आप इस फी मतलब जिस तरीके से पे करना पे करो, अगर फॉर्म को फिलअप करना है तो। और SC ST कैंडिडेट जो है एग्जेम्प्टेड है, उनको कोई भी फी नहीं देना पड़ेगा। OBC EWS और UR कैटेगरी के बच्चों को 300 देना पड़ेगा, अगर कोई बच्चा SC ST से है तो वो फिल कर सकता है, यहाँ पे कोई भी फी वगैरह नहीं लगेगी, और कुछ नहीं कह सकते भाई, आराम से फॉर्म को फिलअप करो, बाकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जब आएंगी तो मैं कह रहा हूँ वही चीज़ कि हाँ चलो ठीक है,
मैं आपको जो सेकेंड चैनल है हमारा उसके ऊपर मैं आपको बताते रहूंगा, ठीक है? ए टू जेड स्टडी डिफेंस करके जो चैनल है ना मैं बता दूंगा। शायद यहाँ पे इतना देर से रिलोड क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न है ब्राउज़र के अंदर मैं इसको रन करा रहा हूँ ना, तो ये सारी पीडीएफ्स को सारी एक साथ बहुत सारे खुल गए हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा स्लो हो गया, तो और कुछ नहीं है, ठीक है? तो ये जो सीन था मैं आपको दिखा रहा हूँ के टू जेड स्टडी डिफेंस पे, आपको मैं आगे की इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा प्रिपरेशन से रिगार्डिंग, तो जाके सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बहुत हेल्प मिलेगा। बाकी हाँ, अगर कोई बच्चा पेड बैचेस करके इस बार अच्छा खासा स्कोर करना चाहता है, रिस्क नहीं लेना चाहता बिल्कुल भी, तो हमारी बैचेस को ज्वाइन कर लो, मैं गारंटी देता हूँ कि रिटर्न क्लियर हो जाएगा, आराम से क्लियर हो जाएगा भैया, कुछ नहीं है रिटर्न के अंदर। आप हमारी बैचेज लो ना लो, अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी की ऑफलाइन बैचेज से भी पढ़ रहे हो, तो रिटर्न क्लियर हो जाएगा, तो मैं आपको डरवाऊंगा नहीं कि नहीं कि नहीं आपका निकलेगा, मेरे पास से नहीं पढ़ोगे। हाँ, लेकिन आप हमारे पास से पढ़ोगे तो एक सही गाइडेंस मिलेगा, बिकॉज मैंने दो टाइम से इसको क्रैक कर रखा है रिटर्न को, तो रिटर्न की सही गाइडेंस मेरी तरफ से मिल जाएगी और अप टू डेट रहोगे आप चीज़ों से, ये एक फायदा होता है। देखो, पढ़ लेना कहीं से अलग चीज़ है और किसी ने क्रैक कर रखा है वहाँ से पढ़ना थोड़ी सी अलग चीज़ हो जाती है, बाकी अपना अपना चॉइस, ठीक है? चलो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, अगर बैचेस से रिगार्डिंग कोई इंक्वायरी चाहिए तो व्हाट्सअप करके पूछ लेना।